जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जो भी कंसेप्ट बताने वाला हूं ध्यान से समझना है। चार नंबर डायरेक्टली आपके पॉकेट में होगा, चार से पांच नंबर आप मान के चल सकते हो। और जो भी कंसेप्ट होगा ये डायरेक्टली मैं फिर से बता दूं, ना ही किसी बुक में है और ना ही कहीं आपको कोई यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ये ड्रीम डोज का बनाया हुआ कंसेप्ट है, जो आपको डायरेक्टली चार नंबर आपके पॉकेट में होगा। बस इतना करना है कि आपको ध्यान पूर्वक, क्योंकि पेशेंस रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो लोग छोड़ के आते हैं। ठीक है, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना है बेस्ट कंटेंट के लिए और बेल आइकन दबा लेना है। देखिए ये डायरेक्टली है, आपको पहले खुद सॉल्व करना है और देखिए उसके बाद आपको इसको ट्रिक से, और आप बोल सकते हो कि क्विकली 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। और जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको ध्यान से समझ लेना है। चलिए देखिए, आठ सबसे पहले ये देखो, कोई भी क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का दिया होगा। हम यहाँ सर्कुलर वाला लिए क्योंकि सर्कुलर वाला आपका आया हुआ है और यही आने के चांसेस है, क्योंकि थोड़ा इसमें आपको सोचना पड़ता है। देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस दे, ठीक है, चार क्वेश्चंस तक दिन रहेंगे ही रहेंगे, आपका चार नंबर फिक्स। आठ आदमी दिया हुआ है कि कितने आदमी दिए हैं, सबसे पहले आप ये देखो। तो आप देखोगे यहाँ आठ आदमी दिया है, पी क्यू आर एस टी यू टी वी वाई जेड। यहाँ यू नहीं है, आप ध्यान देना, ठीक है, और ना ही यहाँ डब्ल्यू है, एक्स, ये सब, ठीक है। तो आठ लोग है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखा आपने आठ लोग है, मुझे क्या करना है, एक ऐसा सर्कल बनाना है। अब ये खुद के बनाए हुए कंसेप्ट है तो आप थोड़ा ध्यान से समझना, आपका कभी गलत होगा ही नहीं, ठीक है, और आप 100% एक्यूरेसी के साथ बहुत फास्ट कर पाओगे। बस दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आठ लोग है यहां, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा और सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, मैं ये अंदर ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आठ आपको इस तरीके से बना लेने, ठीक है, ये हो गया। आप बहुत क्विकली बना लोगे क्योंकि, और बहुत बार होगा कि आपको ये भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट अभी क्या है कि आप शुरुआती दौर है तो आपको आराम से आप कर सकते हो। देखिए कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गया टोटल, ठीक है, तीन ऊपर तीन यहां दिख रहा है। देखो ये जो इसको डायरेक्ट कर रहा है, तो ये दो हो गए, ये चार हो गया, ये छह हो गया, ये आठ हो गया। अब जो मैं यहां ध्यान से समझाने जा रहा हूं वो समझना, इसका डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको मैं एक सेकंड में समझाता हूं कि इसका क्या होता है। इसका ये चीज जरूर आप याद रखिएगा, ये चीज, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया मैं अभी आपको समझाता हूं। ये एरो मैंने इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया, देखिए मान लीजिए यहां कोई आदमी बैठता है, मान लीजिए यहां एक्स कोई बैठता है, ठीक है, क्या नाम मैंने बोला कि एक्स बैठता है, यहां क्या बैठता है, एक्स बैठता है। तो अगर मैं पूछू कि एक्स का दाया कहां है, राइट कहां है, तो आप बोलोगे ये जहां उसका एरो है वो उसका राइट होता है हमेशा, और जो ये पूंछ है ये हमेशा लेफ्ट होता है, मतलब बायां होता है। अगर मैं यहां एक्स को ड्रॉ कर देता और मैं पूछू कि इसका दाया कौन सा है, तो दाया इसका ये है और बायां कौन सा है, ये है, इसका ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है। अगर इतना समझ के आपका काम खत्म। जो मैंने ये समझाया ये एरो वाला कंसेप्ट, ये खुद का बनाया हुआ है, तो दिमाग में इसी तरीके से रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज करोगे, आपको पूछेगा कि इसके दाएं में कौन है, उसके बाएं में कौन है, आपको क्या करना है, बस इसका एरो देखना है, इसका दाया कौन है, तो ये वाला साइड दाया है, इसका बाया कौन है, तो ये वाला बाया है, ठीक है। चलिए इसको 10 लोग 10 तरीके से बताएंगे, बस जो हमने बता दिया उससे बाहर कुछ नहीं, यही याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो पहला कंसेप्ट बोलता है, पहला कंडीशन बोलता है कि एस पी के बाएं से तीसरा है, हमेशा याद रखना इसको पढ़ना कैसे, एस पी के, पी पी के कंपेयर में बोल रहे, ठीक है, तो क्या बोला, एस पी के बाएं से तीसरा है, तो मतलब एस जो है, ठीक है, एस में देखो आप ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, एस जो है एक दो तीन, और मैं यहां पी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो पी का क्या है, तीसरे नंबर पे, एक दो तीन, पी के बाएं से तीसरा है, समझ में आया। दूसरा बोला है कि P भी के बाएं से दूसरा है, अब P का बारे में बोल रहा है और भी के बाएं से दूसरा है, तो P ये मेरा ये हो गया, और भी के बाएं से, यहां देखो P के, P भी के बाएं से दूसरा है, तो B से कंपेयर कर रहा है, और P क्या है, उसका दूसरा है बाएं, तो मैं एक ये P यहां हो गया, एक ये हो गया, और यहां क्या हो गया आपका, भी हो गया, तो देखो भी, ठीक है, पी भी के बाएं से दूसरा है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये इसका बायां हो गया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आपको यहां बैठाने की अभी कोई जरूरत नहीं, एक बार में बैठा हुए आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, और ये आप बहुत क्विक कर लोगे, मैं बस अभी समझा रहा हूं। आर वी के दाएं से दूसरा है, जो आर जो है, ठीक है, वी के दाएं से दूसरा है, देखो तो वी के दाएं से कौन है, एक दो, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है आपका, बोला आर वी के दाएं से दूसरा है, आर यहां आ जाएगा, और ये क्या है, दूसरे नंबर पे कौन,
यहां देखो आर वी के दाएं, तो आर वी के दाएं कितने नंबर पे, दूसरा है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्या मेरा आठ पूरा कंप्लीट हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया आप समझो आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्योंकि जो आठ आपने बनाया है ये क्या है, फिक्स्ड है, मतलब इसके जगह ये चेंज नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो पहले जो आपने ये आठ बनाया है शुरू के, ठीक है, आप इसको फिक्स कर लो। देखिए मैं एस यहां लिखता हूं, ठीक है, मैं एस यहां लिखता हूं, ठीक है, एस मैंने यहां लिखा, उसके बाद दो गैप है, मैं यहां से स्टार्ट कर ले रहा हूं लिखना, ठीक है। एस को मैंने यहां लिखा, ठीक है, एक दो, दो मैंने छोड़ा, एक दो मैंने छोड़ा, उसके बाद मैं पी लिखता हूं, तो मैंने यहां पी लिख दिया, उसके बाद फिर से एक गैप छोड़ूंगा, ठीक है, तो मैंने गैप छोड़ा, भी मैंने यहां लिख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने गैप छोड़ा और मैंने आर अभी यहां फिर से मैंने गैप छोड़ा एक और यहां मैंने आर लिख दिया। आप इसको चेक जरूर करें, एस है, ठीक है, फिर से दो गैप है, दो गैप हो गया, फिर से पी आ गया, पी आ गया, फिर से यहां गैप है, फिर से यहां एक भी है, फिर से गैप है और यहां आर आ गया, ठीक है, आप समझ में आया। अब आगे देखिए क्या बोला है, आर जेड के बाएं से आपने ये आठ फिक्स कर लिए, ये फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये आठ है, ठीक है, आठ ही जगह है तो ये फिक्स है। अब देखो और आर जेड के बाएं से तीसरा है, ये जो आर जो है, ठीक है, क्या बोला है, जेड के बाएं से तीसरा है, तो जेड में कहां बैठाऊंगा कि ये तीसरे नंबर पे आएगा जेड, तो मैं जेड अगर मैं यहां बैठा दूं इसके तीसरे नंबर पे, क्यों, इसका बाया क्या होगा, इसका देखो ये तो इसका दाया, बाया क्या है ये, इधर, तो तीसरे नंबर पे ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका दो और ये हो गया तीन, तो क्या आर क्या है, तीसरे नंबर पे है जेड का, ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोला है, क्यू भी के समीप नहीं बैठ सकता, क्यू जो है भी के समीप नहीं बैठ सकता, इसका मतलब क्या है, जो क्यू भी के आमने सामने नहीं होगा, तो अगर मैं भी देखूं भी यहां है, ठीक है, तो ना क्यू यहां हो सकता है ना क्यू यहां हो सकता है, क्यू अब कहां जाएगा, तो क्यू जाएगा आपका यहां, क्योंकि भी यहां है ना, क्यू यहां बैठ सकता है ना यहां बैठ सकता है। अब एक बच कौन गया, अब बच गया टी, पी के समीप नहीं बैठ सकता है, तो टी ना यहां बैठ सकता है ना आपका यहां बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि पी यहां है, ठीक है, तो ये जो टी कहां बैठेगा, तो टी आपका यहां बैठेगा, ठीक है। और आखिरी में बचा कौन, तो एक वाई बच गया, तो मैं वाई को यहां लिख दूंगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए देखिए जेड के बाएं और कौन बैठा है, तो जेड के बाएं और कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। मैंने फिर से बताया डायरेक्शन का कंसेप्ट, मैंने क्या समझाया कि ये अगर मैं इस तरीके से, ये कोई भी नंबर, कोई भी यहां कुछ भी हो सकता है, मान लो यहां जेड है, तो इसको बस इस तरीके से कर दो, तो ये इसका क्या होगा, एरो वाला दाया होगा, इसका पूछ क्या होगा, बाया होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर है ये क्या होगा आपका, पहला का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। दूसरा देखिए, पी के दाई और कौन बैठा है, पी के दाई और, ठीक है, तो पी यहां है आपका, ठीक है, पी यहां है, फिर से मैंने इस तरीके से देखा, ये मैंने एरो ड्रॉ किया, ये क्या है इसका राइट है, इसका दाया कौन है आपका, ये वाई है, तो वाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एस के बाएं से दूसरा कौन है, ठीक है, एस के बाएं से दूसरा कौन है, तो एस ढूंढिए कहां है, एस के बाएं से दूसरा, तो ये क्या है, फिर से इस तरीके से मैंने किया, ये राइट कर दिया मैंने, ठीक है, इसका लेफ्ट कौन है, इधर होगा एक दो, तो टी इसका आंसर, ये एस, मैं फिर से बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं ये बेस्ट है, ठीक है। देखो तो ये एस है, एस के बाएं कौन होगा, ये होगा एक दो, तो ये होगा आपका टी, क्योंकि बाएं बोला है, आपका डायरेक्शन का जो टेंशन रहता है ना, कहां होगा नहीं होगा वो खत्म, मुझे पता है आप लोग कहां तक हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसका हो गया आपका टी। अब देखिए एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है, ठीक है, तो एस के संबंध में, ठीक है, वाई का स्थान देखो, तो एस यहां है, ठीक है, एक दो तीन चार, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो चौथा है, एक दो तीन चार, और लेफ्ट हैंड साइड से भी जाएंगे तो एक दो तीन चार, तो दोनों हो सकता है, राइट हैंड साइड से भी चौथे पे है वाई और आपका लेफ्ट हैंड साइड से भी चौथे पे, तो आप देखो क्या लिखा, दाएं से तीसरा नहीं चौथा वाला मुझे खोजना है सिर्फ, तो दाएं से चौथा लिखा हुआ है, अगर यहां और एक ऑप्शन देता कि बाएं से चौथा, तब भी इसका आंसर ये सही होता, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दाएं से चौथा, एक दो तीन चार, ठीक है। तो प्लीज आशा करता हूं इसको खुद भी देखो, अगर आपको इसको अपने दिमाग में पूरा ड्रिल्ड करना है ना लाइफ टाइम के लिए, तो इसको आप दो बार खुद बनाओ, पेपर पे आप खुद करो जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा है। जय हिंद।